हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एमबीए कोर्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल्ड में बातें करेंगे। एमबीए अगर आप यहां से करते हैं तो कितनी आपको प्लेसमेंट मिलने वाली है, क्या आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला, क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, कितनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूँ ग्रेटर नोएडा की तो ग्रेटर नोएडा में ये लोकेटेड है एंड 2011 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप फोटोज वीडियोज के थ्रू देख ही रहे हैं कितना ज्यादा प्यारा लगता है। एंड अगर कोर्सेज की इसमें बात करूँ तो देखो, वैसे तो ये यूनिवर्सिटी इसमें बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, अराउंड 62 यूजी कोर्सेज कराए जाते हैं, बट आज इस वीडियो में हम सिर्फ एमबीए के बारे में बातें करने वाले हैं। एमबीए यहाँ पे कैसा है उसके बारे में बातें करेंगे इन डिटेल। तो 52 एकर्स का इसका आपको कैंपस एरिया देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा स्पेशियस इसका एरिया है, घूमने फिरने को आपको अच्छी खासी वाइब मिल जाती है, एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, मेट्रो की फैसिलिटी भी वहां पे है। और अगर आपको ग्रेटर नोएडा में कॉलेज के आसपास ही कहीं पे जाना तो आपको ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा ये सारी जो है मिल जाएंगी। देखो ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी, एआईसीटीई, बीसीआई, पीसीआई और एनसीटीई से भी। और अगर मैं बात करूं एफिलिएशन की तो देखो ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, खुद की यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। एंड अगर कुछ रैंकिंग के बारे में आपको मैं बताऊं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, तो रैंक्ड 91th इन मैनेजमेंट कॉलेजेस, टॉप 10 प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स इन दिल्ली एनसीआर बाय टाइम्स बी स्कूल। तो देखो ये तो हो गई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके कुछ कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में कि एमबीए का यहां पे क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे आप अपना एडमिशन यहां पे ले सकते हैं। तो देखो एलिजिबिलिटी तो आप लोगों को पता ही है यार, आपको एक ग्रेजुएशन में अच्छे खासे मार्क्स, मतलब ओवरऑल 60% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए किसी भी एक ग्रेजुएशन में, उसके बाद आप यहां पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन आपका यहां पे बाय एंट्रेंस भी हो सकता है, यहां पे डायरेक्ट एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं एंड गेट एडमिशन के थ्रू भी एडमिशन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एमबीए यहां पे 2 साल का ये पूरा प्रोग्राम है, सेमेस्टर सिस्टम एग्जाम टाइप है, एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बताई दी है एंड एंट्रेंस एग्जाम यहां पे आपके कैट, मैट, एग्जैक्ट, सी मैट, जी मैट के थ्रू भी एडमिशन हो जाएगा। फीस आपकी रहने वाली है 3.20 लाख फॉर 2 ईयर्स। हॉस्टल अवेलेबल है, मतलब उसकी जो फीस है वो वेरी करती है बाय एसी, नॉन एसी और जैसी एमेनिटीज आप चूज करते हैं। इसके बाद रही आपकी कोई और परेशानी की एडमिशन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप गेट एडमिशन का कॉल कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में, तो जो स्क्रीन पे दिया नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ ताकि हम आपके एडमिशन ईजिली करा दें, आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो एमबीए के लिए इसका हाइस्ट पैकेज अभी तक का गया वो है 9.5 लाख एंड 3.5 to 4 लाख इसका एवरेज पैकेज रहता है। तो अब आपके अकॉर्डिंग है, आप इसको चूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एंड अगर हम फीस को देखो तो देखो फीस इतनी ज्यादा, मतलब ज्यादा भी नहीं है एमबीए के अकॉर्डिंग बट कम भी नहीं है, तो आप इसको चूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि प्लेसमेंट इसका एवरेज है। एंड आगे बढ़ते हुए फैसिलिटीज के बारे में बताऊं, देखो फैसिलिटीज इस कॉलेज में आपको मिल जाएंगी ऑब्वियसली, 52 एकर्स का कैंपस है तो सारी फैसिलिटीज आपको वहां पे ऑब्वियसली मिलने वाली है। तो फैसिलिटीज से रिलेटेड तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, लाइब्रेरी आपको, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, कैंपस की सारी फैसिलिटीज और मतलब कैंटीन वगैरह और एसी की फैसिलिटी आपको यहाँ पे, वाईफाई इनेबल कैंपस मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी मिल जाती है, तो उस चीज से रिलेटेड आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। आपको अगर ये कॉलेज अच्छा लगता है इन इंफॉर्मेशन जानने के बाद तो आप जरूर एक बार एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कुछ और जानने के लिए आप गेट एडमिशन को भी कॉल कर सकते हैं, गेट एडमिशन आपको डिटेल में समझा देगा, आपको गाइड कर देगा, तो एक बार कॉल जरूर करें। एंड आई थिंक इस वीडियो में इतना काफी रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।